हेलो एवरीवन। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है मापन में त्रुटि। त्रुटियों को कितने भागों में बांटा गया है और किस बेसिस पे बांटा गया है। आज का अपना टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से जनरेट होते हैं। दो टाइप के जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो जनरेट होते हैं, वो एक तो यादृच्छिक त्रुटि में और एक अल्पतमांक में उत्पन्न होते हैं। आप एक बार वीडियो को देखो और फिर ट्राई करो कि वो क्वेश्चन आपसे होते हैं या नहीं है। उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मापन में त्रुटि। त्रुटि के जो वीडियो है वो हमने पिछली क्लास में बनाया था कि त्रुटि किसे कहते हैं। यथार्थता और परिशुद्धता में हमने अंतर भी देखा था। त्रुटि किसे कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं, तो उसका वास्तविक मान और उसका जो प्रेक्षित मान है दोनों में हल्का सा अंतर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, त्रुटि। तो त्रुटि क्या है, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं ना। त्रुटि जनरली तीन प्रकार की होती है। त्रुटि सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। पहली है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी यादृच्छिक त्रुटि और तीसरी है अल्पतमांक त्रुटि। त्रुटि कितने प्रकार की है, त्रुटि तीन प्रकार की होती है, क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि तथा अल्पतमांक त्रुटि। एक त्रुटि और जिसे हम सकल त्रुटि कहते हैं, ग्रॉस एरर। पहले हम इन तीन को डिस्कस कर लेते हैं। क्रमबद्ध से नाम से पता लग रहा है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब सिस्टम में ढंग से क्या रहेगी, आपने मान लो किसी भौतिक राशि का मापन किया और उसका जो वास्तविक मान हो मैंने कहा 20 है, तो जब भी आप बार बार रीडिंग लोगे तो 20 के ऊपर ही आपको रीडिंग मिलेगी। कभी 21, कभी 20.9, कभी 20.3, कभी 20.4, कभी 20.5। मतलब क्या हो रहा है, लगातार ये क्या हो रही है, वास्तविक मान के या तो धनात्मक दिशा में या वास्तविक मान की ऋणात्मक दिशा में परिवर्तित होती है। ऋणात्मक दिशा में कैसे, अगर हमारे पास वास्तविक मान 20 है तो कभी हमारे पास रीडिंग 19.7 आ रही है, कभी हमारे पास 19.6 आ रही है, कभी 19.5 आ रही है। इसका मतलब क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में, केवल एक दिशा में ये प्रवृत्त होगी, या तो धनात्मक दिशा में मिलेगी बार बार या फिर आपको ऋणात्मक दिशा में ही त्रुटि मिलेगी। या तो वास्तविक मान से मान बार बार अधिकतम मिलेगा, मतलब अधिक मिलेगा, या फिर बार बार आपको मान जो है प्रेक्षित मान वो वास्तविक मान से कम मिलेगा। लगातार ऐसे नहीं मिलेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, वो होगा यादृच्छिक त्रुटि में। नाम से पता लग रहा है यादृच्छिक, रैंडमली। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या होगी, वह त्रुटि जो किसी एक दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में प्रवृत्त होती है, प्रकट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि। और इस क्रमबद्ध त्रुटि क्यों होती है, इनका कारण भी हमें पता होता है। ध्यान रखना, इन तीनों में से केवल एक ही त्रुटि है जिसका कारण ज्ञात होता है। और वो कारण क्या है, वो कारण होते हैं या तो व्यक्तिगत त्रुटि होती है, व्यक्ति है ना खुद जानबूझ के त्रुटि करता है, उसको पता है कि रीडिंग मुझे कैसे लेनी है। मीटर स्केल से जब हम किसी लंबाई को मापते हैं तो हम सीधे न देख के थोड़ा टेढ़ा देखते हैं, जिससे भी आपको एरर मिलेगी, त्रुटि मिलेगी। इसका मतलब व्यक्तिगत रूप से भी त्रुटि उत्पन्न होती है, वो भी क्रमबद्ध त्रुटि है। एक हो गया यंत्रगत त्रुटि, यंत्र में जितने भी डिविजन्स बने हुए हैं, उसमें जो खाने बने हुए हैं, या फिर यंत्र क्या है आपका त्रुटिपूर्ण है, यंत्र में जो डिवीजन वगैरह या यंत्र को अच्छी तरह से पूरी तरह से बनाया नहीं गया है, तो भी त्रुटि किससे आएगी, आपकी यंत्र से त्रुटि आएगी, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि। और एक होती है प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। प्रायोगिक तकनीक का मतलब होता है जो हम प्रैक्टिकल ले रहे हैं उसकी टेक्निक हमें नहीं पता कि टेक्निक कैसे है, उसको करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर हमें बोलता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापना है, तो वो थर्मामीटर हमें मुंह में रखने के लिए बोलता है, लेकिन हम कभी कभार क्या करते हैं, थर्मामीटर को अपने बगल में रख लेते हैं, और बगल में रखने से क्या होता है, आसपास का वातावरण का जो तापमान है उसको थर्मामीटर रीड कर लेता है बजाय अपने बॉडी के टेम्परेचर के। तो अपनी बॉडी का अगर टेम्परेचर हमें बिल्कुल करेक्टली मेजर करना है, तो हमें जो टेक्निक है, जो तकनीक है प्रयोग की, उसको हमें सुधारना होगा। अगर उसको हम सुधारेंगे तो क्रमबद्ध त्रुटि नहीं होगी। तो प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता समझ में आ गया, मतलब जो हम प्रैक्टिकल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसमें परफेक्शनेस नहीं है, उसमें अपूर्णता है, उसमें परफेक्शनेस नहीं है। तो अगर आपको उसमें परफेक्टनेस लानी है तो हमें जो प्रैक्टिकल टेक्निक है ना उसको सुधारना पड़ेगा, जो टेक्निक सही तरीके से की जाती है वो टेक्निक हमें काम में लेनी पड़ेगी। तो क्रमबद्ध त्रुटि क्लियर है, क्रमबद्ध त्रुटि किसी एक दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में ये प्रवृत्त होती है, इसके कारणों का हमें पता होता है, और ये तीन प्रकार से उत्पन्न होती है, व्यक्तिगत रूप से, यंत्रगत रूप से, और आपका प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता से। अब हम बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि, सबसे इंपॉर्टेंट त्रुटि यही है। यहीं से जनरली एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। यादृच्छिक त्रुटि जनरली क्या होती है, यादृच्छिक रूप से धनात्मक या ऋणात्मक दोनों दिशाओं में प्रकट होती है। यादृच्छिक रूप से मतलब हमारे पास वास्तविक मान 20 था,
तो ये 20 से नीचे भी मान आएगा और 20 के ऊपर भी आएगा, 20 के ऊपर 20 के नीचे, 20 के ऊपर 20 के नीचे, मतलब लगातार रेंडमली धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में ये त्रुटि हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है यादृच्छिक त्रुटि। क्लियर है। दूसरी बात, इस प्रकार की त्रुटि को हम कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को कम करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, जो आपने प्रेक्षण लिए उनकी संख्या को बढ़ा दो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस त्रुटि में यही है, हमने जितने भी प्रेक्षण लिए हैं उन प्रेक्षणों की संख्या बढ़ा दो। जितनी ज़्यादा प्रेक्षणों की संख्या बढ़ाओगे उतने ही गुना यादृच्छिक त्रुटि कम हो जाएगी। अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अब अल्पतमांक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि क्लियर है, यादृच्छिक रूप से धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में प्रकट होती है और इसको कम करने का तरीका क्या है, प्रेक्षणों की संख्या को बढ़ाकर, प्रेक्षणों की संख्या को बढ़ाकर इसे कम किया जा सकता है। फिर आता अल्पतमांक त्रुटि, यहाँ से भी नाम से पता लग रहा है अल्पतमांक, अल्पतम अंक, अल्पतम अंक, अल्पतम आपका अल्पतमांक क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी उपकरण के अल्पतमांक से क्या तात्पर्य है, किसी उपकरण द्वारा मापा जाने वाला वह न्यूनतम से न्यूनतम मान, किसी भी आपका कोई भी भौतिक राशि का हमें मापन करना है तो उसके लिए हम कोई उपकरण काम में लेते हैं, तो कोई भी आपके पास उपकरण है उससे न्यूनतम से न्यूनतम कितना मान हम माप सकते हैं उसी को हम बोलते हैं अल्पतमांक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मीटर स्केल लेते हैं तो मीटर स्केल का अल्पतमांक होता है 1 mm, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.1 mm और स्क्रू गेज का अल्पतमांक होता है 0.01 mm। इसका मतलब मीटर स्केल का अल्पतमांक 1 mm, आपके पास में स्केल होती है जिसको मीटर स्केल ही बोलते हैं, उसका अल्पतमांक आप देख लीजिए, उससे मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू हम माप सकते हैं वो होती है 1 mm। कितनी होती है 1 mm। इसी तरह से लेब में दो उपकरण होते हैं, एक होता है वर्नियर कैलिपर्स और एक होता है स्क्रू गेज, जिसे हम पेंच मापी भी कहते हैं ना, तो इनके अल्पतमांक सबको याद हो जानी चाहिए। मीटर स्केल का होता है 1 mm, वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.1 mm और स्क्रू गेज का होता है 0.01 mm। अगर हम इससे कम मान मापने की कोशिश करेंगे तो 100% त्रुटि होगी, उसको बोलते हैं तुक्का लगाना। कभी कभार हम बचपन में करते थे, मीटर स्केल होती थी, 1 mm से छोटा मान मापना होता था, 1.1 mm, तो हम एक से भी पॉइंट उसके 9 भाग 10 भाग करके और 0.1 को ऐसे टिक कर देते थे तो उसमें 100% त्रुटि आएगी। तो अल्पतमांक त्रुटि कब होगी, जब हम किसी उपकरण से उसके न्यूनतम मान से भी कम मान मापने की कोशिश करते हैं तो उत्पन्न त्रुटि को हम क्या कहेंगे, अल्पतमांक त्रुटि। अब अल्पतमांक त्रुटि किससे संबंधित है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, विभेदन या विभेदन की सीमा। विभेदन किसको बोलते हैं, रेजुलेशन, न्यूनतम वैल्यू को ही हम विभेदन बोलते हैं, कि वह छोटा ही छोटा मान जिसको आप विभेद कर सको, जिसको आप पहचान सको, जिसको एक्यूरेटली मेजर कर सको, उसको हम बोलते हैं विभेदन। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विभेदन या विभेदन की सीमा से संबंधित त्रुटि कौन सी होती है, अल्पतमांक त्रुटि। क्लियर है, विभेदन क्लियर समझ में आ गया सबको, रेजुलेशन ठीक है ना, न्यूनतम से न्यूनतम मान को आप अच्छे से देख सकते हो, उसको विभेद कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम विभेदन या विभेदन की सीमा संबंधित त्रुटि कौन सी होगी, अल्पतमांक त्रुटि। और अल्पतमांक किसे कहते हैं ये भी क्लियर है। अब इस पे जो क्वेश्चन आता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि माना किसी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं और 100 प्रेक्षणों का आपने 100 प्रेक्षण लिए हैं, 100 प्रेक्षणों के लिए यादृच्छिक त्रुटि है कितनी, एक्स है। 100 प्रेक्षणों के लिए यादृच्छिक त्रुटि कितनी है, एक्स है। अब आपने कर दिए 400 प्रेक्षण, अब हमने जो प्रेक्षण किए वो 400 प्रेक्षण, तो यादृच्छिक त्रुटि का मान कितना होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यादृच्छिक त्रुटि में। मैंने कहा है 100 प्रेक्षण लिए गए हैं तो यादृच्छिक त्रुटि हमें x मिली है, अब प्रेक्षणों की संख्या कितनी कर दी गई है, 400 कर दी गई है, तो यादृच्छिक त्रुटि क्या आएगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ डिस्कस किया था, यदि हम प्रेक्षणों की संख्या बढ़ा देते हैं तो त्रुटि उतना गुना कम हो जाती है। मान लो प्रेक्षणों की संख्या n गुना बढ़ा दी जाती है या n गुना कर दी जाती है, तो एक बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, तो यादृच्छिक त्रुटि 1/n गुना हो जाती है। यदि प्रेक्षणों की संख्या n गुना कर दी जाती है तो यादृच्छिक त्रुटि 1/n गुना हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 100 के लिए x है तो 400, कितने गुना प्रेक्षण बढ़ा दिए हमने, 4 गुना हमने प्रेक्षण कितने गुना बढ़ा दिए, 4 गुना, तो यादृच्छिक त्रुटि x थी तो कितनी हो जाएगी, x/4, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि में यदि जितनी आप प्रेक्षणों की संख्या बढ़ाओगे त्रुटि 1/n गुना हो जाएगी। यदि हमने प्रेक्षणों की संख्या n गुना बढ़ाई है, यदि हमने प्रेक्षणों की संख्या n गुना बढ़ाई है तो यादृच्छिक त्रुटि हो जाएगी 1/n गुना।